दोस्तों 15 जुलाई को Realme X इंडिया में लॉन्च होने वाला है और उसके साथ ही यहां पर आपको एक और स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है Realme की तरफ से, जो कि होने वाला है Realme 3i। और ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर आपको एक ग्लास बैक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जो कि अभी तक किसी भी रियलमी के स्मार्टफोन में हमें देखने को नहीं मिला था। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक के हीलियो P70 का चिपसेट और डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है बैक साइड में। सो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो होने वाली है वो Realme 3 से भी कम होने वाली है इंडिया में। इसके इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलने वाली है बैक साइड में, जो कि आने वाली है ग्लास बैक के साथ। दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स यही निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपको एक ग्लास बैक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है Realme का पहला ऐसा स्मार्टफोन जो कि ग्लास बैक के साथ आएगा। और दोस्तों उसके साथ ही आपको यहाँ पर बैक साइड में डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला 13 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा होने वाला 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको ग्लास बैक का डिजाइन देखने में अच्छा लगता है, या आपको एक पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने में अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको एक 6.2 इंच की HD प्लस की स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है स्क्रीन में, फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिलेगा। इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको ओप्पो के F11 प्रो की तरह ही मीडियाटेक के हीलियो P70 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जैसा कि Realme 3 में हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी ही। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन बैटरी देखने को मिलने वाले इस स्मार्टफोन में। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन में आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बैटरी होगी। और दोस्तों उसके साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको माइक्रो USB का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, कोई टाइप सी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला दोस्तों। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ColorOS 6 देखने को मिलने वाला है, जो कि Android Pie को सपोर्ट करेगी। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग बताई जा रही है Realme की तरफ से दोस्तों, वो बताई जा रही है कि Realme 3 से भी कम होने वाला है। यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है 3GB रैम 32GB वेरिएंट की, उसकी प्राइसिंग आपको 8000 रुपीज तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों Realme 3 ऑलरेडी 9000 रुपीज में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी आपको 8000 रुपये में एक बेस वेरिएंट देखने को मिलने वाला है दोस्तों इस स्मार्टफोन का। दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।